आज सुबह जाकर देखता हूँ तो मौसम काफी अच्छा हो रहा होता है। मम्मी खाना बना रही होती है और ये मेरी बहन राखी इंतजार में खड़ी होती है। मेरे स्कूल टाइम का ब्लेजर अब इसके काम आ रहा होता है, इसे कहते हैं दान। थोड़ी देर बाद बारिश होने लग जाती है, फिर दिन में ये दोनों मेरे घर पर आते हैं और ठेस बुद्धि घर से इमली लेकर आता है और हो गई इनके दिमाग की खुजली चालू। फ्रिज से मिठाई का डिब्बा निकालता हूँ, खुशी देख रहे हो इनके चेहरे पे। फिर हम छत पर जाते हैं और ये खट्टा खाने में मग्न है और ठीक ठाक बंदा फालतू में से उलझ रहा होता है। पता नहीं आज क्या हो रहा होता है, इन सबके दिमाग की खुजली आज मुझसे ही शांत होना चाहती है। और फिर ये दोनों अपने घर चले जाते हैं। फिर मैं अपनी बहन राखी को जगाने पहुंचता हूँ जो स्कूल से घर आकर बस सोने में लगी है और इस समय 5 बज रहे हैं, मगर इसका मन अभी भी नहीं भरता। फिर मैं टिफिन उठाता हूँ और चल देता हूँ दूध लेने और रास्ते में मुझे पंकज मिल जाता है। ठीक ठाक बंदे घर पहुंचता हूँ तो इस पायल को पढ़ता देखकर मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। फिर ठेस बुद्धि को बुलाते हैं और सभी मिलकर चल देते हैं दूध लेने। अब सभी का एक साथ दूध लेने आना तो सिर्फ एक बहाना है, मगर असली मकसद तो वहाँ अपनी बकचोदियों का होना है। दूध लेकर इस भैंस को बाय बाय बोलकर हम चल देते हैं सीधा गोलगप्पे खाने। गोलगप्पे खाते हैं, फिर दही पपड़ी खाकर हम चल देते हैं सीधा अपने घर। घर पहुंचकर मैं इन्हें बाय बाय बोलता हूँ और आज का ये मिनी ब्लॉग यहीं खत्म।